शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या करे जिससे उर्वशी अपने जुर्मों को कबूल कर ले। हमें जो भी सोचना है उर्वशी के होश में आने से पहले सोचना पड़ेगा। अगर उर्वशी को होश आ गया और उसने यहाँ आकर आप सबको देख लिया कि आप सब कुछ सोच रहे हैं तो उसे कहीं शक ना हो जाए, वो सतर्क हो जाएगी। उसे पता चल जाएगा कि हम कोई ना कोई प्लान बना रहे हैं उसके खिलाफ। हम आप सबके लिए ना मसाले वाला दूध लेकर आते हैं। मसाले वाला दूध? अब देखना गहना, अगर मैंने तुम्हारे रचे हुए खेल में तुम्हें ही मात नहीं दी ना तो मेरा भी नाम उर्वशी नहीं। फिर इस तरह दूध पर से ये प्लेट हटाई किसने? खैर, मैं पहले सबको दूध देकर आती हूँ वरना दूध ठंडा हो जाएगा। शायद कोई चूहा होगा या हवा से आवाज हुई होगी। का मजा, बहुत शौक है ना तुझे सबको बचाने, तो परिवार की रक्षक अब बनेगी उनकी भक्षक। जब तेरे ही बनाए गए दूध को पीकर पूरे परिवार की जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। और पिताजी ये बेटा वो गलती से गिर गया। कोई बात नहीं, हम अभी अभी साफ कर लेते हैं। ये दूध में नीले रंग का क्या है? क्या हुआ बेटा? वो दूध दूध क्या हुआ दूध को? कोई दूध नहीं पिएगा, दूध में कुछ है। दूध में क्या है? मसाला ही तो है। नहीं नहीं, और कुछ है। आप में से कोई भी ये दूध नहीं पिएगा। गौरव, तुम जाकर देखो उर्वशी को होश तो नहीं आया। हाँ। उर्वशी,
कहाँ चले गए? उर्वशी? अब कोई उर्वशी नहीं है। अब सिर्फ गहना है, तुम्हारी गहना। क्या बोल रहे हो तुम? और तुम गहना के कमरे में क्या कर रही हो? भूल गए क्या तुम? ये मेरा ही तो कमरा है। कि क्या कर रही हो तुम? और तुमने गहना के कपड़े क्यों पहने? क्योंकि मैं गहना ही हूँ। मेरे अंदर गहना की आत्मा है। तो अगर आत्मा गहना की है, तो कपड़े भी तो उसी के होंगे ना। तुम्हारे प्यार में ना गौरव, मैंने बहुत कुछ सीख लिया। अब मुझे पता है कि किसी आत्मा को दूसरे शरीर में प्रवेश कैसे करवाते हैं। और फिर उर्वशी ने भी तुम्हारे साथ वही किया। तुम्हारा बहरूपिया बनाया था तो बस मैंने भी वही किया। उर्वशी की आत्मा गहना की मृत शरीर में डाल दी और गहना की आत्मा उर्वशी के इस शरीर में डाल दी। और अब मैं गहना के शरीर को जलाना चाहती हूँ जिसमें उर्वशी की आत्मा है। और जब उस शरीर का अंतिम संस्कार हो तो उर्वशी की आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी और गहना की आत्मा हमेशा के लिए उर्वशी के शरीर में रह जाएगी। ये तो उर्वशी की आवाज थी। गहना की आत्मा उर्वशी के शरीर में? मुझे तो लगता है ये उर्वशी दीदी की कोई चाल है। हारो नहीं, हमारा रचाया नाटक अब हम पर ही भारी पड़ रहा है। गहना, ये देखो जहर की शीशी। ये हमें किचन स्लैब के नीचे से मिली। उर्वशी हमें मारना चाहती है। आप सबको ये बोलकर कि हम उर्वशी हैं और वो गहना हमें मारना चाहती है, यानी कि गहना को, इसका मतलब साफ है कि उसे पता चल गया है कि हम जिंदा हैं। और उसे उसे हमारे प्लान के बारे में भी पता चल गया है। इसका मतलब अब वो सिर्फ तुम्हें नहीं, हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। डरिए मत श्रेया भाभी, वो हमें मारने आएगी। लेकिन अगर हमने वो सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया तो हमारे पास कम से कम उसके गुनाह का एक सबूत तो होगा। मतलब हम तुम्हें उर्वशी के सामने चारा बनाकर छोड़ दें? नहीं नहीं गहना, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। तुम अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकती हो। तुम ये जो कुछ भी कर रहे हैं हम सबके लिए कर रहे हैं। लेकिन गहना, तुम ही क्यों अपनी जिंदगी हम सबके लिए दांव पर लगाओगी? इस बार हम जाएंगे। नहीं पिताजी, पिताजी हमें ये जिंदगी आप ही से तो मिली है। और अगर ये जिंदगी अपनों के लिए हमें खोनी पड़े तब भी हमें कोई गम नहीं। लेकिन क्या ना वो? पिताजी नहीं, हमारे पास वक्त बहुत कम है और ये मौका भी हमें आखिरी बार मिल रहा है। पिताजी आप अब हमें एक आखिरी बार आशीर्वाद दे दीजिए कि हम अपने इस कार्य में सफल हो। आशीर्वाद दे रहे हैं कि फिर से तुम्हें आशीर्वाद लेने आना है। अपना ख्याल रखना। अब जब उर्वशी हमें मारने आएगी तो वो यही चाहेगी कि आप लोग हमें बचाएं। लेकिन आप में से कोई भी ऐसा नहीं करेगा। आप लोग हमें बिल्कुल भी नहीं बचाएंगे। माँ कहाँ रह गई? दुर्गेश्वरी जी, मैं उनको ढूंढ के आता। हाँ रानी, कोई है? दरवाजा खोलो, कोई है? पापा देखो ना, आपकी गहना वापस आ गई है, वो भी मौत के मुंह से जीत कर। और उर्वशी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरी फैमिली को फिर से मारने आई हो? नहीं, इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मुझे पता था तुम यही करोगी और मैं इसके लिए तैयार हूं। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी।
ये क्या कर रही हो तुम? गौरव, तुम कहाँ जा रहे थे? तुम्हें उर्वशी दिख रही है क्या? नहीं तो, हमें तो कोई नहीं दिखाई दिया। तो फिर तुम किसे बचाने जा रहे थे गौरव? उर्वशी के रूप में गहना को? सच सच बताओ गौरव, अब तो सच बोल दो। सच क्या है बोलो। सच ये है उर्वशी कि तुम जानती हो गहना मरी नहीं है। तुम आत्मा की अदला बदली करके नाटक कर रही हो। तुम्हारा परिवार सब जानता है, इसलिए बंद करो ये नाटक। वाह दुर्गेश्वरी वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तुमने सांप के बिल में हाथ डालकर सांप पकड़ तो लिया। लेकिन उसे पकड़ने से पहले उसकी फितरत जान लेना बहुत जरूरी होता है। और एक सांप की फितरत होती है पलट के डस लेना। गहना, गहना, यही कहा ना तुमने? ये सही, मतलब तुम सब मिलके मेरे साथ गेम खेल रहे थे और इस बात का मुझे पता ही नहीं था। इसीलिए मुझे बीच में ये गन लानी पड़ी। क्या हुआ गौरव? डरो मत, मैं तुम्हारी गहना को कुछ नहीं करने वाली। बस ये कैचिंग प्रैक्टिस। और तुम अब ये रिकॉर्ड करो कि कैसे गहना उर्वशी को मार रही है, वो भी अपने पति गौरव के साथ मिलकर। क्योंकि अब इस गन पे गहना के फिंगरप्रिंट्स हैं और मेरे पास पक्का सबूत। पीछे 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 हटो, पीछे जाओ, पीछे जाओ, अभी के अभी पीछे जाओ। अब गन और बाजू दोनों मेरे हाथ में है, लेकिन किस्मत किस्मत मेरे हाथ में नहीं। हर बार की तरह किस्मत ने भी मुझे धोखा दिया, बिल्कुल वैसे जैसे तुम मुझे धोखा दे रहे हो गौरव। किस्मत में था इन दोनों का साथ में रहना और मैं इन दोनों का साथ मिटाने नहीं लगी। चलो अब सबको सच्चाई बता ही देती हूँ। सबसे पहले मैंने गहना को एक गहरी खाई में धक्का देने की कोशिश की। लेकिन वो बच गई और गायत्री बनकर इस घर में वापस आई। उसके बाद मैंने इस घर में अपनी झूठी प्रेगनेंसी का नाटक किया, श्रेया को ब्लैकमेल किया और उससे सारे गलत काम करवाए और गौरव पे वशीकरण किया मैंने, वो भी काली शक्तियों की मदद से। और इसके पीछे पीछे मुझे एक औरत का भी मर्डर करना पड़ा। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने अपने ही पापा की बलि चढ़ानी चाहिए और इनफैक्ट मैं उन्हें मार भी देती, लेकिन एज ऑलवेज ये बीच में आ गई, बचा लिया इसने पापा को। तो चलो, मैंने अपना गुनाह कबूल कर लिया, कर लो जो करना है। क्या हुआ? कर ली रिकॉर्डिंग। क्या हुआ? कोई कुछ नहीं करेगा। अरे पुलिस को बुलाओ, मुझे अरेस्ट करवाओ, मुझे फांसी दिलवाओ, कुछ तो करो। सब ऐसे चुप क्यों बैठे हुए? कोई कुछ भी नहीं कर सकता, करूंगी तो सिर्फ मैं, इस चौधरी परिवार का दी एंड। सब लाइन में लग जाओ, चलो। मैं कहती हूँ चलो। तो अब बताओ गहना, इन में से तुम सबसे पहले किसको बचाओगे? गौरव को, पापा को, या वो दुर्गेश्वरी को, या फिर श्रेया को, जिसके पेट में अभी भी बच्चा है?
जल्दी बोलो नहीं तो सबको एक साथ मार दूंगी मैं, बोलो। नहीं। उर्वशी, तुम श्रेया भाभी को कुछ मत करना। उनकी जगह मैं चली जाऊंगी, मैं वहां खड़ी रह जाती हूँ, लेकिन लेकिन प्लीज श्रेया भाभी को छोड़ दो। ये तुम्हारा समर्पण, ये तुम्हारा त्याग, ये तुम्हारा बलिदान बहुत अच्छा लगता है मुझे, सच में। पर बच्चे की श्रेया भी नहीं, इनफैक्ट मैं सबको मार के ये सारा इल्जाम तुम पर लगा दूंगी। नहीं उर्वशी, किसी के साथ कुछ मत करना। हम तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हैं। हम छोड़ देंगे गहना को, तुम बस बाकी किसी के साथ कुछ मत करना। नहीं गौरव, अब बहुत देर हो चुकी, अब तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, अब नहीं। उर्वशी दो मिनट, मुझे प्लीज दो मिनट, आखिरी बार अपने अपने परिवार से मिल ले, इतना तो तुम कर ही सकती हो ना। जाओ। अगले जन्म फिर मैं तुम्हारी गहना बनकर आऊंगी गौरव, और तब हमारा गौना भी पूरा होगा। गौरव, हम तुम्हें जिंदगी में कोई खुशी नहीं दे पाए, और एक खुशी आई भी तो हमने सोचा कि हम सही वक्त आने पर तुम्हें बताएंगे। अब देखो तो आखिरी वक्त ही आ गया। कौन सी खुशी गहना, किसकी बात कर रहे हो? गौरव, हम तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाले। वशी गहना को कुछ मत करना, अगर हमारे बच्चे को कुछ हुआ ना तो। अरे वाह, घर में दो दो प्रेग्नेंट औरतें। उर्वशी, हाथ छोड़ो मेरा। छोड़ो उर्वशी। ना, हाथ छोड़ दो, हाथ छोड़ दो मेरा। उर्वशी छोड़ो, ये क्या सर। मरकर भी हंस रही हो तुम, लेकिन हंसने से ना कि दर्द कम नहीं होगा। दर्द तो तुम्हारा कम नहीं होगा ये जानने के बाद कि इस बंदूक में गोलियां नकली हैं। उर्वशी, ये सारा ड्रामा हम सब ने मिलकर किया था तुम्हारी सच्चाई को उगलवाने के लिए। इतनी ताज्जुब की बात है, तुम्हें लग रहा था कि तुम हमारे साथ खेल खेल रही हो, जबकि सच्चाई तो ये थी कि हम सब मिलकर तुम्हारे साथ खेल खेल रहे थे। बुराई का अंत निश्चित है। वहां देखो, दिखाई देता है तुम्हें, एक कैमरा छुपा कर रखा है। तुमने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ उसमें रिकॉर्ड हो गया है। और ये खून भी नकली है।
इंस्पेक्टर। ले जाइए इसे, फांसी की सजा जरूर देना। मैं अपना बदला लेने जरूर आऊंगी। अगर अच्छी बनकर आओगी तो दिल से अपनाएंगे, लेकिन अगर बुराई बनकर आई तो जैसे बुरी नजर उतार कर घर के बाहर फेंकते हैं, बिल्कुल वैसे ही तुम्हें भी घर के बाहर फेंक देंगे। ले जाइए। अंत ही शुरुआत है, आओ सब मिलकर नए रिश्तों की शुरुआत करें। तो चाहिए था हमें, हम तुम और हमारे प्यार की निशानी। बिल्कुल तुम पे गई है। सुधामा, इसका नाम क्या रखे? वैसे तो नाम नामकरण के दिन ही रखेंगे, लेकिन हम इसे खुशी कहकर बुलाएंगे। खुशी, खुशी, खुशी। अपने साथ इतनी सारी खुशियां जुलाई है इस घर में। तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, बहुत प्यारी है। और ये है भी बड़ी वाली खुशी। अरे आटो, मुझे भी तो खुशी से मिलके थोड़ी खुशी महसूस करने दो। बेटी हुई है ना तुझे कहना, खुश तो बहुत होगी तुम, पर अब ज्यादा दिन नहीं। अब तू देख कि मैं क्या करती हूँ। मैं वापस आऊंगी कहना, मैं वापस आऊंगी और तुम देखना। जब तक तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे साथ है, हम तुम्हें हर बुरी नजर से, हर दुख से, हर तकलीफ से बचा के रखेंगे। इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।